हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और चलिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, टॉर्क, रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो टॉर्क निकला था, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी हुआ था। एम जो था मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू ए था, ठीक है। और एन टर्न्स के लिए एन इंटू एम क्रॉस बी, और मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ पढ़ने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, क्या है देख लीजिए कि इस 4.9 है एनसीईआरटी का, और पेज नंबर आपका है 169। देखिए, एक स्क्वायर क्वायल जो जिसका कि साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है 20 टर्न्स है, क्लियर है। एंड कैरीज ए करेंट ऑफ 12 एम्पियर, इसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है वो 12 एम्पियर करंट है ना। द क्वाइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द क्वाइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल नॉर्मल जो एंगल बनाता है ये 30 डिग्री बनाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका 0.80 टेस्ला है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क के लिए कह रहा है निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है। तो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे थे, एन एम क्रॉस बी, तो एन एम बी साइन थीटा, और एम जो है आई इंटू ए बोले थे, एन आई ए बी साइन थीटा डिग्री, साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है। और एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कॉइल, देखिए एरिया ए स्क्वायर होगा तो 0.1 का स्क्वायर सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 0.1 वन इंटू 10^-2 m² हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये 0.1 × 0.1 तो ये 10 है, ये नीचे में 10, ये 10, तो 10^-2 m² हो गया एरिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, आई है आपका 12 m, एरिया है 1 × 10^-2, ये 0.8 × sin 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हाफ लिखेंगे तो 240 × 10^-2 × 0.8 × 1/2, ये नीचे 10, ये 0 कैंसिल आउट, ये 4, तो 24 × 4 × 10^-2 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। आर क्रॉस एफ होता है, यानी तो जूल लिख सकते हैं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, 96 × 10^-2 जूल या न्यूटन मीटर लिखिएगा, ये 0.96 न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका टॉर्क, क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर्कुलर कॉइल है, 30 टर्न्स है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है, कैरिंग ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना। देखिए, एक और क्वेश्चन है आपको,
देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4.13 है, पेज नंबर सेम होगा। ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल सस्पेंडेड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल जो है कितना डिग्री बना रहा, 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ये एंगल 60 डिग्री बनाता है। अब देखिए टर्न्स हैं आपका 30 टर्न्स हो गया, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻²² मीटर लिख दीजिए, करंट है 6 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, क्लियर है? तो आराम से बना लीजिए, एरिया क्या निकाल लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया जो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारा टॉर्क बराबर क्या फार्मूला, एन एम क्रॉस बी, ठीक है, तो एन जो है एम बी साइन थीटा, आई ए बी साइन यहाँ पे थीटा, थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री, समझ गए? तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 30 है, आई है आपका 6 एम्पियर, एरिया लिखिएगा पाई 8 × 10⁻²² का होल स्क्वायर और 1 टेस्ला × sin 60, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का 4.13 है ये क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर आपका 169 है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसका देखिएगा टॉपिक, देखिए क्या है, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये क्या है, देखिए हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर बनाए थे, ठीक है, तो एमीटर से हम लोग क्या किए थे, करंट का मेजरमेंट किए थे और वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट किए थे। लेकिन एमीटर से जब आप स्मॉल करंट फ्लो कराइएगा, देखिए एमीटर, देखिए एमीटर का ये कॉइल है, ये इधर से 10 एम्पियर करंट दीजिए और इधर से ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका कॉइल है, ये आपका कॉइल है, तो देखिए इधर से आप 10 एम्पियर करंट दिए तो इधर कुछ करंट चला जाएगा, सपोज 1 एम्पियर गया तो ये 9 एम्पियर रीडिंग देगा, लेकिन जब आप यहाँ पे 0.5 एम्पियर दिए तो स्मॉल करंट 0.02 एम्पियर, ये सारा करंट इधर से चला जाएगा तो ये रीडिंग नहीं दे पाएगा। मीन्स क्या होगा कि स्मॉल करंट को, जो स्मॉल करंट होगा उस करंट को आप एमीटर से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाए। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये स्मॉल करंट का मेजरमेंट करता है और उसको डिटेक्ट भी करता है, ये सेंसिटिव डिवाइस होता है। मेरी बातों को समझे, क्या समझे, गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज टू मेजर स्मॉल करंट, क्लियर? और ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी कॉइल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो वो क्या फील करेगा, टॉर्क, जैसे कि हम अभी पढ़े या प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे कि करंट कैरिंग कॉइल को फील्ड में रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसी पे ये बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर और डिटेक्ट यूज टू
मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट, ठीक है, स्मॉल करंट। इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। पहले हम प्रिंसिपल लिख देते हैं, तब कंस्ट्रक्शन हम समझाएंगे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। अब देखिए इसको हम कैसे, ये डिटेक्ट करता है, कैसे काम करता है, इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन लिखिए। पहले हम इसको समझाते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तब अब लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पूरा बिल्कुल पहले समझा देते हैं, क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आराम से आप लिखेंगे। है क्या, देखिए पहले समझिए, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं इसको। ये हमारा एक्सटर्नल बॉडी होता है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक हुक होता है, टॉर्सन हेड कहते हैं। अरे आप घर में भी देखते हैं ना, ऐसे लटकाने वाला हुक, ठीक है ना, उस टाइप का होता है। यहाँ पे टर्मिनल T1 होता है, T1, यहाँ पे टर्मिनल T2 होता है, ठीक है। ये टर्मिनल T1, वो टर्मिनल T2। अब जहाँ पे करंट मेजरमेंट करना होता है, जैसे ये वायर के थ्रू करंट जा रहा है, उसको मेजरमेंट करना होता है, तो एक टर्मिनल को यहाँ से ऐड कर देते हैं, इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब है इसके थ्रू वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है, ठीक है ना, फॉस्फर ब्रॉन्ज एक मटेरियल है, उसका वायर होता है, ये हुक से लटका होता है, और यहाँ पे इसी वायर के थ्रू रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, देखिए रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल इस तरह से नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम पे लपेटा होता है। मैग्नेटिक फ्रेम नहीं होता, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है। जैसे कि आप कॉइल को लपेटिएगा, तार को किस पे लपेटिएगा, कोई फ्रेम लीजिएगा तभी ना कॉइल बनाइएगा, उस फ्रेम को रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, उस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे तार को लपेट देते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो जाएगा वो। और उसका दूसरा एंड जो है ऐसे स्प्रिंग टाइप का निकाल करके ये टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं, ये टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। अब एक बात बताते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉर्थ पोल दे देते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का, एक साउथ पोल देते हैं। अब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहेगा, उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये स्प्रिंग टाइप का रहेगा, एस टाइप का। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इस टर्मिनल T1 या T2 को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे, जिसमें करंट मेजरमेंट करना है, वहाँ से जोड़ेंगे, तो इधर से ये करंट फ्लो होने लगेगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके करंट फ्लो होगा, और ये जा करके ये टर्मिनल T2 में चला जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या एक्सपीरियंस करेगा, N m × b, ठीक है, तो N m b sin थीटा। अब देखिए N m b sin थीटा, n m को क्या लिखेगा, Ia मैग्नेटिक मोमेंट है, Ia b sin थीटा, ये आपका क्या निकल गया, टॉर्क निकल गया Ia b sin थीटा। अब जो है
ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है ये स्मॉल करंट जा रहा है, देखिए स्मॉल करंट हम इसे पास कराएंगे तो ये क्या होगा, जैसे ये क्वाइल क्लॉकवाइज में घुमा तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है वो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगाएगा। हैवी करंट नहीं है, स्मॉल करंट है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के थोड़ा सा घूम करके ये क्वाइल रुक जाएगा। जैसे आपके हाथ को हम घुमा रहे हैं तो आप भी अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे, तो जहाँ पे मेरा टॉर्क लगाया हुआ टॉर्क और आपका लगाया हुआ टॉर्क एंटी अपोजिट डायरेक्शन में बराबर हो जाएगा, वहाँ पे हाथ रुक जाएगा, आपके हाथ को घुमाना शुरू करेंगे, ठीक, आपको हाथ दर्द करेगा तो आप अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाइएगा। जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में एंटी टॉर्क और हमारा टॉर्क जब इक्वल अमाउंट हो जाएगा तो वहाँ पे ये क्वाइल रुक जाएगा, थोड़ा सा मान लीजिए क्या करके डिफ्लेक्ट करके रुक जाएगा ये, मान लीजिए ये थीटा एंगल डिफ्लेक्ट किया क्वाइल, देखिए क्वाइल थीटा एंगल डिफ्लेक्ट किया। ये जो फॉस्फर का ब्रॉन्ज है उसका एक चीज मेजरमेंट क्या रहता है, एंटी टॉर्क कितना लगाएगा पर यूनिट एंगल, वो के लगाता है, ये 1 डिग्री यदि ये डिफ्लेक्ट होगा तो के उसका एंटी टॉर्क है, तो थीटा डिग्री के लिए के थीटा एंटी टॉर्क हो जाएगा उसका। हेलो बच्चे इधर समझिए, वो जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का ये तार है जैसे ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी टॉर्क लगाएगा, तो वो एंटी टॉर्क टोटल कितना के थीटा, इसका टॉर्क क्या एन आई ए बी साइन थीटा। तो देखिए के थीटा बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है, शुरुआत में क्वाइल का नॉर्मल और वो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई एन ए बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90, तो मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1, तो एन आई ए बी, यहाँ से आई बराबर के थीटा बाय एन ए बी, देखिए ये क्या मेजर्ड हो गया, करंट मेजरमेंट हो गया, जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा वो करंट हमारा मेजर हो गया, समझ गए। तो क्या किए हम, क्या इसका प्रिंसिपल रहा कि जैसे ही कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाले तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगा, स्मॉल करंट है तो स्मॉल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा ये क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो फिर ये क्या करेगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज से जिसके सहायता से ये लटका हुआ है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज एंटी टॉर्क लगाने लगेगा। तो जब इसके द्वारा एंटी टॉर्क जो है और ये जो फील्ड इस पर टॉर्क लगा रहा है वो टॉर्क और फॉस्फर ब्रॉन्ज का एंटी टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा और उसको बराबर कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, करंट का मेजरमेंट हो जाएगा, समझ गए, क्लियर हुआ। तो यानी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इट कंजिस्ट्स ए रेक्टेंगुलर क्वाइल, ठीक है ना, वाउंड ऑन नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम, ठीक है, विच इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल पीसेस, इज इट क्लियर, इट इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन हेड बाय मीन्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। टॉर्सन हेड क्या हुआ, टॉर्सन हेड हुक है, बाय मीन्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब एक काम और भी करते, देखिए एक चीज और समझाने के लिए बच गया, ये जो क्वाइल में है बीच में जो जगह रहता है यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे क्वाइल ये रेक्टेंगुलर लिए हैं तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, देखिए सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, जब ये सर्कुलर रहेगा तो ये स्फेरिकल लेंगे और जब ये रेक्टेंगुलर रहेगा तो वो सिलिंड्रिकल लेंगे, सिलिंड्रिकल इस टाइप से, ये जो है ये मार्कर जो है सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल टाइप का वहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ लेंगे मटेरियल, ठीक है, और यदि ये सर्कुलर रहेगा तो फिर हम स्फेयर लेंगे, स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन का बना हुआ स्फेरिकल कोर लेंगे, ठीक है। ये क्यों लेते हैं, इसका वजह क्या है, ठीक है, ये वजह समझेंगे तो आपको हम देखिए बता रहे हैं, सुनिएगा, हमारे पास 3 तरह का मटेरियल होता है, डाई, पारा और फेरो। तो आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक है, जब आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वो आयरन भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है फील्ड के डायरेक्शन में, तो जब आयरन मैग्नेटाइज्ड हो जाता है फील्ड के डायरेक्शन में तो वो भी फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा,
और वो आयरन फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। और ये सबसे इसका एडवांटेज क्या है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या करेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ ये देखिएगा, ये जो सिलिंड्रिकल है ये आयरन का बना कोर है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को एक तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे ही कॉइल मूव करना स्टार्ट करेगा, रोटेशन होगा कॉइल में, तो हो सकता है कॉइल सस्पेंशन में आ जाए ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो सस्पेंशन में यदि आ जाएगा तो हमारा फिर रीडिंग गलत हो जाएगा। तो ये इसके कारण, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके कारण यदि मान लीजिए ये सस्पेंशन में भी आ जाए तो ये क्या करेगा, क्विकली उसको, ठीक है ना, रेस्ट में ला देगा ये सॉफ्ट आयरन कोर। इसके वजह से एक बेनिफिट ये भी है कि कॉइल एकदम सीधा रहेगा और स्मूथली घूमेगा, ऐसा नहीं घूम अचानक सडनली करंट फ्लो होने लगा और जब घूम घूम भी रहा है और ये झूल भी रहा है, वैसा नहीं होगा, ऐसे सस्पेंशन नहीं होगा, यहाँ पे स्मूथली वो मूव करेगा। समझ गए बातों को क्या। तो हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर कि L एक सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल भी बनाता है कॉइल के साथ और मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग भी करता है। कारण क्या है, ये आयरन जो है सॉफ्ट आयरन कोर, ये आयरन का बना होता है, आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको डाई पारा और फेरो पढ़ाएंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे मैग्नेटिक फील्ड में डालिएगा तो वो मैग्नेटाइज होता था। जैसे कि देखिए आप एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, स्क्रू ड्राइवर जो है पेचकस, उसको आप मैग्नेट से रगड़ दीजिए तो वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आयरन को फील्ड में रख दीजिए तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है तो फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना देता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसका हम अच्छा से फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिगर बना लीजिएगा। देखिए फिगर देखिएगा ध्यान से, हेलो, ये आपका टॉर्सन हेड हो गया, ये टॉर्सन हेड है, ठीक है, ये इधर से ये आएगा, यहाँ पे एक कनकेव मिरर लगा होता है। कनकेव मिरर का काम क्या होता है ना, हम आपको जस्ट बताते हैं। ये क्या करता है, कनकेव मिरर रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए, वो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना वो घुमा है, इस चीज़ को प्लेन मिरर में देख लेते हैं।
रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पर लपेटा होता है। ठीक है, ये वाला हो गया, ये स्प्रिंग टाइप का बना रहेगा। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। हाँ, एक बात, ये यदि कॉइल आपको सर्कुलर भी हो सकता है, कोई कोई कंपनी कॉइल सर्कुलर बनाती है, यदि सर्कुलर कॉइल रहेगा तो ये स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर देंगे। ठीक है, क्या लिखेगा कंस्ट्रक्शन में, इट कंजिस्ट्स ए रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस दे दीजिए, पी क्यू आर एस वाउंड ऑन नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। ठीक है ना, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम विच इज प्लेस्ड इन, विच इज सस्पेंडेड, या नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम, इट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, क्या बोलिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल पीसेस। ठीक है, क्लियर है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पीसेस। इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ, सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ टॉर्सन हेड बाय मीन्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्च, बाय मीन्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्च। ठीक है, अब तुरंत हो जाएगा, फॉस्फर ब्रॉन्च है, फॉस्फर ब्रॉन्च एक मेटालिक वायर है। ठीक है, अब L क्या है, L इज ए सॉफ्ट आयरन कोर विच मेक्स मैग्नेटिक फील्ड रेडियल टू द कॉइल एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट करिएगा, तब इसका वर्किंग लिखवा देते हैं, आज इसको फिनिश कर देंगे, थोड़ा फास्ट करिएगा। हेलो एवरीवन, अब इसमें क्या लिखिएगा, L इज ए सॉफ्ट आयरन कोर, L इज ए सॉफ्ट आयरन कोर विच मेक्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
रेडियल टू द क्वाइल, रेडियल टू द क्वाइल एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज इट क्लियर। अब एक चीज और भी लगा दीजिए, एक चीज के बारे में और लिख दीजिए। एम एक कनकेव मिरर है जिसका यूज क्या करते हैं, जितना एंगल से ये डिफ्लेक्ट होगा उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको देखने के लिए उस पर स्केल लगा होता है। एम इज ए कनकेव मिरर विच इज यूज टू सी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग समझा देते हैं, इसको लिख लीजिए वर्किंग। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड में खास करके, और देखिएगा वर्किंग क्या लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वाइल में n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, और क्वाइल के थ्रू I करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B है। A जो है एरिया है क्वाइल का। तो यहाँ पे लेट देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, समझ गए। और I जो होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल। ठीक है, A बराबर एरिया ऑफ क्वाइल ले लीजिए, एरिया ऑफ क्वाइल, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और थीटा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल। अब देखिएगा n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, I करंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल, A एरिया ऑफ क्वाइल, B क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या हुआ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल। ठीक है, समझ गए। अब k लेते हैं एंटी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन फॉस्फर ब्रांच पर यूनिट डिफ्लेक्शन, एंटी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय क्या बोलिए फॉस्फर ब्रांच पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या, पर यूनिट डिफ्लेक्शन लिखिएगा। तो टोटल एंटी टॉर्क के इनटू थीटा। अब देखिए द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जरा ध्यान दीजिएगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क बराबर क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स एम क्रॉस बी लिखिएगा, कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एम को क्या लिखिएगा एन, एम को क्या लिखिएगा आई ए बी साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले, थीटा 90 डिग्री देंगे तो 1 हो जाएगा, तो टॉर्क जो होगा एन आई ए बी हो जाएगा। इसको नोट करिए बच्चे, थोड़ा जल्दी करिए, बहुत इसमें पढ़ना है। हो गया, अब यहाँ पे देखिएगा एंटी टॉर्क वो कितना प्रोड्यूस्ड करेगा,
ये जो टॉर्क हो गया, ये टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ये एन आई ए बी हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। एंटी टॉर्क, एंटी टॉर्क, एंटी टॉर्क कितना हो जाएगा बोलिए? के इंटू थीटा, पर यूनिट डिफ्लेक्शन के था, थीटा डिफ्लेक्शन के लिए के इंटू थीटा, ये इक्वल होगा तो एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा, तो आई इक्वल टू के थीटा बाय एन ए बी, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा के बाय एन ए बी इंटू थीटा, ये कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी, तो आई इक्वल टू जी इंटू थीटा, कैसे? के भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, एरिया तो चेंज होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है ये भी कांस्टेंट, वेयर जी इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये वैल्यू हो जाएगा के बाय एन ए बी, ठीक है, और ये जी इक्वल टू के बाय एन ए बी हो गया। ये मीन्स आई इक्वल टू जी इंटू थीटा, आई इक्वल टू के बाय एन ए बी थीटा, के बाय एन ए बी कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए इसको जी से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, क्लियर हुआ? इसको नोट करिए। इसके बाद दो टर्म है इसमें, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दोनों टर्म पढ़ लीजिए तब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एक टर्म है यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ये चीज क्या है? देखिए जब हम ऐसे समझिए, जब यूनिट एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा उसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी कह देंगे, मीन्स थीटा पर यूनिट करंट, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। जैसे देखिए आप ये जो हमारा क्वाइल था, ये जो क्वाइल है हमारा, इस क्वाइल से आप कितना करंट यूनिट एम्पियर करंट फ्लो करा दीजिए, ठीक है, तब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा उस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को हम लोग कह देंगे क्या? करंट सेंसिटिविटी। मेरी बात समझे क्या? हेलो वहाँ देखिए यहाँ पे ये 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दीजिए इस क्वाइल के थ्रू, तब जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा इस क्वाइल में उस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कह देंगे, समझिए इधर। और दूसरा टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो जब इसके टर्मिनल ये T1 था, ये टर्मिनल T2 था, इस दोनों के अक्रॉस 1 वोल्ट यूनिट वोल्ट अप्लाई कर दीजिए तब जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होगा उसको कह देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो करंट सेंसिटिविटी, और यूनिट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तब जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग कह देंगे करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी, समझ गए। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल, देखिए द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल, प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल व्हेन यूनिट एम्पियर करंट, व्हेन यूनिट एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल, फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल, द क्वाइल इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय IS, इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे IS, तो IS इक्वल टू लिख देंगे थीटा बाय I, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन
पर यूनिट एंगल, समझ गए। अब ये देखिए, अभी आप कैलकुलेट किए थे थीटा, आई बराबर के बाय एन ए बी इंटू थीटा, तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे आई एन ए बी बाय के। इसको यहाँ पे लिखिए आई एन ए बी बाय के, अब बाय आई, आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी निकलेगा एन ए बी बाय के, एन ए बी बाय के, ये क्या निकल गया आपका करंट सेंसिटिविटी। अब इसके बाद है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको नोट करिएगा, इसके बाद हम आपको बताते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, समझ गए। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखिएगा, जब हम यूनिट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तब जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग कह देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, समझ गए। तो अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन यूनिट वोल्टेज, व्हेन यूनिट वोल्टेज अप्लाइड across the applied across the coil, ठीक है, the amount of reflection produced in the coil when unit voltage applied across the coil is called voltage sensitivity, ठीक है, is called voltage sensitivity, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय वी एस, इट इज़ डिनोटेड बाय, क्या लिखिएगा बोलिए, वी एस, समझ गए। तो वी एस इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो वोल्टेज को क्या लिखेगा, वी इक्वल टू आई आर लिख दीजिएगा, ठीक है, तो आई आई कैंसिल आउट, नीचे में आर हो जाएगा, तो एन ए बी बाय के इंटू आर, ये आपका हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, समझ गए। इसको लिख लीजिए वोल्टेज सेंसिटिविटी को। अब जो है कन्वर्शन बताते हैं, इसको कंप्लीट करिएगा फास्ट, जल्दी करिए। हाँ, अब देखिए एक टॉपिक है नेक्स्ट, ये करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल ली, एक और टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक है, तब फिर हम जा करके न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, फर्स्ट टॉपिक देखिएगा, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। कोई भी टिपिकल गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, देखिएगा जरा, हेलो, कोई टिपिकल गैल्वेनोमीटर है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर होता है टिपिकल गैल्वेनोमीटर का, और जी जो है इसका रेजिस्टेंस, मान लीजिए जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, ये 20 ओम होता है, ठीक है, ये टिपिकल का होता है, टिपिकल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा, हम क्या करते हैं, किसी भी गैल्वेनोमीटर का, ये गैल्वेनोमीटर है जी, इसके साथ कोई भी लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं, सुटेबल लो रेजिस्टेंस को संट कर देते हैं, पैरेलल में ऐड कर देते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग एमीटर कह देते हैं। मीन्स कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसके साथ पैरेलल में सुटेबल लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल उसके साथ पैरेलल, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एमीटर। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे, एक गैल्वेनोमीटर
इन पैरेलल विथ सुटेबल लो रेजिस्टेंस, सुटेबल लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, एमीटर। क्लियर है? अब देखिएगा इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है। रुकिए, इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ से फिगर ड्रॉ करके एक बार में उसको फिनिश कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, हेलो बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। हेलो देखिए इधर, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए जी, टिपिकल वैल्यू 20 ओम होता है, और यदि कोई क्वेश्चन में देगा तो अलग अलग वैल्यू भी दे सकता है। ये संट कर दिए, पैरेलल में ऐड कर दिए, ये एस हो गया, इधर से करंट आई जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल से आई जी, तो इधर से कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी होगा, ठीक है। अब आपको अप्लाई कर दीजिए केवीएल, अप्लाई केवीएल। अब देखिए यहाँ पे करंट कितना आ गया, आई माइनस आई जी, इसका रेजिस्टेंस कितना है, एस, आई माइनस आई जी, यानी तो यहाँ पे एक चीज़ लिखेगा, वैल्यू ऑफ संट एस, वैल्यू ऑफ संट एस, जो पैरेलल में जोड़े हैं उसका वैल्यू निकालते हैं। अप्लाई यहाँ केवीएल कर दीजिएगा, यहाँ से करंट जा रहा है आई माइनस आई जी इंटू एस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, उल्टा माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट जा रहा है जी, तो एस इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आई इंटू जी इंटू कैपिटल जी बाय आई माइनस आई जी, ये संट का वैल्यू निकल गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर यदि लिखेंगे तो दोनों यहाँ पे पैरेलल में हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होगा नेट रेजिस्टेंस, वो चीज़ देखिए, दोनों पैरेलल में होगा तो आर एम बराबर एस इंटू जी, यानी जी इंटू एस बाय जी प्लस एस हो गया, ये रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, एमीटर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, याद है पहले भी हम एक बार पढ़ा चुके हैं, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दीजिए, वहाँ यहाँ पे लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़े तो एमीटर बदल गया, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दीजिए तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, समझ गए बातों को क्या। अब यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, और इसके साथ यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जिसके अक्रॉस वोल्टेज नापना है, मेजरमेंट करना है, ये और ये है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V, और ये गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा आई जी, समझ गए, और ये हाई रेजिस्टेंस क्या है, R, क्लियर है। तो यहाँ पे R का वैल्यू कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये चीज़ देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, जो भी ये सर्किट, जब भी वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल का वोल्टेज V मान लीजिए और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R, तो ओम्स लॉ से
वी बराबर आई आर होता है, तो आई जी एन टू जी प्लस आर हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करिए, तब उसको समझाते हैं। इसको नोट करिए, इसके पैरेलल में जो वोल्टेज है ये वी है, ठीक है। समझ गए, नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला, हेलो ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो ये जो है, ये दोनों है, यहाँ से वोल्टेज V है, तो टोटल करंट Ig जा रहा है, तो Ig इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, G प्लस R, ये वोल्टेज हो गया। ये वोल्टेज क्या चीज़ के बराबर, V के बराबर, पैरेलल में है। तो Ig इंटू G प्लस Ig इंटू R इक्वल टू क्या हो गया, V। ये उधर चला जाएगा, तो Ig इंटू R, या इसको ऐसे ले लीजिए ना, देखिए G प्लस R इक्वल टू V बाय Ig हो जाएगा, तो R इक्वल टू V बाय Ig माइनस G हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ R, हाई रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ पे देखिए, वो सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर का होगा वो कितना होगा, R इक्वल टू सीरीज में है, तो ये G प्लस R हो जाएगा। यहाँ पे R M लिख देते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हो गया G प्लस R, वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर हम लोग निकाले थे, R M इक्वल टू G इंटू S बाय G प्लस S। तो क्या यहाँ से सीखें कि गैल्वेनोमीटर को हम, जब गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट को मेजरमेंट करता है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो वो एमीटर का काम करने लगेगा, और उसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो वो वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा, क्लियर है। और हम आपको वहाँ पे क्या चीज़ देखें, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट पर यूनिट मतलब अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर, पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्लियर हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल्स पार्ट है हमारा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट, इसको नोट कर लिए। अब जो है बच्चों, आज का क्लास हम यही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो न्यूमेरिकल्स एक स्लॉट में स्टार्ट करेंगे और पूरा फिनिश कर देंगे, एक क्लास देंगे पूरा इसका न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं, आज यही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए।